हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं आरआरबी पीओ मेंस का मॉक दूंगी तो आपके साथ जो स्कोर आएगा वो जरूर शेयर करूंगी। तो आज मैंने आरआरबी पीओ मेंस का मॉक दिया था और ये वाला मॉक मैंने मेमोरी बेस्ड मॉक दिया था, जो 2022 वाला है मेंस का, वो वाला दिया था। बट वही है, अभी एक प्रॉब्लम टाइमिंग वाली आ रही है। जैसे नोटिफिकेशन में मेंशन था कि सेक्शनल टाइमिंग हो सकती है, तो उसमें कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगा वो समझ में नहीं आ रहा, हमें कोई आइडिया भी नहीं है। और अभी तक उन्होंने कंफर्म भी नहीं किया है कि टाइमिंग रहेगी सेक्शनल या नहीं रहेगी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे एक स्टैंडर्ड टाइम लगा कि इतना टाइम इस सेक्शन के लिए रहना चाहिए, उस हिसाब से मैंने टाइमिंग रखी है। और अभी फ़िलहाल हम यही कर सकते हैं कि जो भी मेंस के मॉक दे रहे हैं वो पहले वाले तरीके से ही देंगे, जो हम एक अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करते थे कि हाँ इतना इतना टाइम इस सेक्शन को हम देंगे, तो उस तरह से ही दे रहे हैं। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि किसी सेक्शन को बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी सेक्शन को बहुत कम, वो चीज़ नहीं करनी है जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता। राहुल को SSC एग्जाम में हर सवाल देखा देखा सा लगा। और लक्ष्मण ने टेस्ट बुक पे जो पेपर सॉल्व किए थे ना, वो ऐसे के ऐसे कॉन्स्टेबल एग्जाम में आ गए। और रीमा तो बैंक की एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस से दे रही थी जैसे घर बैठे टेस्ट बुक के मॉक लगा रही हो। टेस्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। मैंने क्वांट एंड रीजनिंग के लिए 30 मिनट ईच रखे हैं, थोड़ा बहुत मतलब लास्ट में मेरे जो 10 मिनट बच रहे थे, मतलब जितने सेक्शन हो जाते हैं उसके बाद मेरे 10 मिनट बच रहे थे, जो मैंने सोचा था कि मैं मतलब इसमें प्लस कर दूंगी, लेकिन इस मॉक में मैंने दिए नहीं है। इस मॉक में मैंने 30 के अराउंड ही टाइमिंग रखा है, 1 से 2 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि खुद से टाइम मैनेज करना होता है। बाकी मेनली लोगों को यही दिक्कत आती है कि टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता कई बार, क्योंकि एक फ्लो जब बन जाता है ना, कि रीजनिंग में अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हमारा फ्लो बन गया तो मन ही नहीं करता क्वेश्चन को छोड़ने का, तो वो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, खुद पर कंट्रोल करना कि हाँ अगले सेक्शन में भी मूव करना है। और इंग्लिश के लिए मैंने 25 मिनट एंड कंप्यूटर को 10 मिनट दिए हैं, क्योंकि ये 10 मिनट में हो जाता है। और बाकी जीए का मैंने अभी कुछ नहीं सोचा कि कितना टाइम उसको देना है कितना टाइम नहीं देना है, क्योंकि वो पुरानी वाली थी तो उसको मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। मैंने सिर्फ 4 ही सेक्शन अटेम्प्ट किए हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, यही किए हैं। आप सब भी ये वाला मॉक अटेम्प्ट करना। इन टेक्स्ट बुक पे आपको काफ़ी सारे मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिल जाते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप सब भी ये वाला अटेम्प्ट करना। इन टेक्स्ट बुक पे आपको काफ़ी सारे मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिल जाते हैं। और टेक्स्ट बुक पे एक ये भी चीज़ है कि लेवल के अकॉर्डिंग्स मॉक दिए होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे बहुत ज़्यादा हार्ड मॉक दे रखे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो शुरू के मॉक होते हैं वो थोड़े थोड़े ईजी होते हैं, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा हाई लेवल, ऐसे लोग ये लोग बढ़ा रहे हैं मौका, तो आप लोग दे सकते हो और लेवल भी अच्छा है। सो बस अटेम्प्ट करके अपना स्कोर शेयर करना आपका क्या आता है। सो ओके गाइस, टेक केयर, बाय।